प्राइवेट सीख रहे हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना कि आजकल के घरों में ये मॉडर्न डिज़ाइन कैसे बनते हैं। कहीं ना कहीं किसी इंजीनियर ने इनको डिज़ाइन किया होगा, तो वही चीज़ मैं आपको आज रेविट में डिज़ाइन करना सिखाऊंगा एक्सट्रूजन टूल की हेल्प से। तो पिछली वीडियो में आप लोगों को एक नॉर्मल ओवरव्यू तो मिल गया होगा कि एक्सट्रूजन टूल होता क्या है, कैसे इसका यूज होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी हेल्प से हम ये मॉडर्न डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। मैं हूँ इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कटायत और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा हमारा मॉडल और इस मॉडल पे हम ऊपर की रूफ़ की बाउंड्री वॉल लगाएंगे और ज़्यादा एकदम खतरनाक बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को वीडियो शॉर्ट शॉर्ट बनानी रहती है। तो आसानी से और प्यारा सा एक डिज़ाइन बनाएंगे ऊपर बाउंड्री वॉल का, और आप लोगों के माइंड में जो डिज़ाइन आता है वो बनाइए, वरना आप रेफरेंस के लिए गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो बाउंड्री वॉल, रूफ बाउंड्री वॉल करके, तो आपको अलग अलग टाइप के दिख जाएंगे जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और नॉर्मली हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। आर्किटेक्चर में टैब में आएंगे, यहाँ पर आने के बाद कंपोनेंट, फिर मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस में आने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जेनरिक मॉडल को। जेनरिक मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद ओके, और ओके पे नाम लिख देंगे हम बाउंड्री वॉल का, WL लिख देते हैं शॉर्टकट में, अपने को समझ आना चाहिए। यहाँ पर आएंगे सेट में, सेट करने के बाद पिकअप प्लेन करेंगे। पिकअप प्लेन में आने के बाद यहाँ पर हम एक प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारा शो हो रहा है ये। अगर हमको इसको शो को बंद करना है तो वापस क्रिएट में आए और शो को एक बार ही सिंपली क्लिक करते ही ये हमारा दिखना बंद हो जाएगा। वापस शो पे दबाएंगे तुरंत दिख जाएगा। तो शो को हम कर देंगे क्लिक और यहाँ पर आ जाते हैं हम अपना एक एक्सट्रूजन लगाते हैं। एक्सट्रूजन क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पर आएंगे और एक रेक्टेंगल की हेल्प से हम इधर से लेके इधर तक का एक वॉल डिज़ाइन कर देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम आ जाते हैं इसके 3D व्यू में और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर से हम, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर भी हमारी छत के बाहर निकली हुई ना बाउंड्री वॉल, जो कि निकलती नहीं, छत के ऊपर ही बाउंड्री वॉल लगती है 200 mm की। तो हम सिंपली इसको यहाँ से अंदर की तरफ फेंक देते हैं। कितना जाएगा? लगभग 200 mm, -200 mm करेक्ट हो गए। और इसको कर देंगे हम यहाँ से 0, एक्सट्रूजन इन को कर देंगे 0। और यहाँ पर से जाएगा ये ऊपर और इसके फ्रंट व्यू में आके हम इसको ऐसा ही बना देते हैं कि ये लगे हमारे छत के ऊपर ही बना है। इसको ऊपर कर लेंगे और ये लग भी रहा है अब छत के ऊपर बना है। ये हाइट इसकी बहुत हो गई, हाइट को इसका थोड़ा हम कम कर देते हैं। हाइट लगभग इतनी नॉर्मल है, इतना ठीक है। हाँ, हाइट ठीक है, हाइट ठीक कर ली हमने। अब इसके बाद हम करेंगे इस पर बाकी काम, जैसे हमको डिज़ाइन देना है कुछ और भी। जैसा ये हो गया तो हम इसको थोड़ा मोटा कर सकते हैं जो दिखने में अच्छा लगे, तो इसको हम कर देते हैं +50। थोड़ा सा बाहर लगेगा तो वो अच्छा भी लगेगा। ओके कर दिया हमने, तो ये वाली वॉल थोड़ी सी हमारी मोटी हो जाएगी। और दूसरी वॉल लगा देते हैं हम बीच में, कुछ वो लगाएंगे रेलिंग से, रेलिंग लगाएंगे। और रेलिंग लगाने के बाद, रेलिंग लगाने के लिए हमने एडिट एक्सट्रूजन पे आ गए। वापस से हमको क्या करना है, एक और वॉल लगानी है। सिंपली वॉल क्या लगानी है, इसी को हम सीधा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है और इस कोने को पकड़ के हम यहाँ पर कर देंगे इसको एंड और कर देंगे एक बार ही क्लिक। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये थोड़ा हवा में आ गया है, हवा से इसको ज़मीन पे लाना पड़ेगा, वो अपने को ही सेट करना पड़ेगा। ये सेट करने के लिए हम इसको थोड़ा लाते हैं एकदम नीचे यहाँ पर, ठीक है। और इसकी हाइट मेंटेन कर देते हैं ऐसे, अब ये बराबर हाइट में आ चुका है। अब यहाँ पर हमको अगर लगानी है क्या पाइप्स के लिए, सिंपली देख लेते हैं पाइप कैसे लगाते हैं। पाइप लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस मॉडल को कर देंगे फिनिश यहाँ पर। और यहाँ पर हम जाएंगे वापस से आर्किटेक्चर में और यहाँ पर कंपोनेंट में आने के बाद मॉडल इन प्लेस, यहाँ पर आएंगे हम जेनरिक मॉडल में। जेनरिक मॉडल में आने के बाद यहाँ पर करेंगे ओके। ओके के बाद मॉडल वन, जेनरिक वन ठीक ही रहने दो उसे। और यहाँ पर हम क्या करना है, हमको एक्सट्रूजन आएंगे, एक्सट्रूजन के लिए ये कहेगा सेटअप प्लेन। यहाँ पर हमने किया पिकअप प्लेन और यहाँ पर हम एक प्लेन को कर देंगे पिक, जो कि हमने ये वाला प्लेन हमने पिक कर दिया। और यहाँ पर बनाएंगे हम क्या, पाइप लगाने के लिए सर्कल ले लेंगे। सर्कल लेने के बाद इसको हम डाया दे देंगे और इसी को नॉर्मली कॉपी करेंगे।
तो सिंपली ये हो गया, एक बारी इसके दो बारी स्केप कर दिया हमने, और इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा सिलेक्ट, पूरे को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, इसका सेंटर पकड़ के हम यहाँ पर एक और यहाँ पर एक पाइप लगा देते हैं और इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद ये दिख रहा होगा आपको, ये पाइप लग चुके हैं। अब इन पाइपों को हमको इस कोने तक पहुँचाना है, तो सिंपली यहाँ पर ये बीच वाले पाइप को उठा के हम इस कोने तक लगा देंगे। इस कोने तक लगते ही हमारा दिख जाएगा ये हमारे पाइप लग गए हैं। अगर हमको इनका मटेरियल चेंज करना है, मेन चीज़ अभी अभी तो मेन चीज़ है ना मटेरियल। वैसे मैंने आपको बनाना नहीं सिखाया, मटेरियल बनाना भी अगली वीडियो में जल्दी सिखाऊंगा, उसकी भी उसका भी टॉपिक आएगा। तो ऐसे आप यहाँ पर एक पाइप भी बना सकते हैं। अगर आपको और कुछ डिज़ाइन बनाने हैं, जैसे और भी डिज़ाइन बनाते हैं, हम पूरी वॉल ही लगा देते हैं ना, बढ़िया से पूरी वॉल लगाएंगे। फिलहाल कर देंगे हम इसको स्केप। इस साइड की वॉल लगाने के लिए हम आएंगे आर्किटेक्चर में, कंपोनेंट में, मॉडल इन प्लेस में, और आ गए हम वापस से जेनरिक मॉडल में। जेनरिक मॉडल में आने के बाद इसको कर देंगे हम ओके। फिर आएगा यहाँ पर, इसका नाम दे दिया हमने एक्स वाई जेड, इंटर। इंटर करने के बाद आ गए हम अपना सेटअप लेन में, सेटअप लेन में पिकअप लेन, और यहाँ पर से हम एक प्लेन हमने पिक कर लिया और शो करेंगे तो वो प्लेन हमको दिख भी रहा है। हाइड कर देते हैं, एक्सट्रूजन पे आ गए। एक्सट्रूजन पे आने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको कहाँ से रेक्टेंगल लेना है। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसको पूरा हम बनाएंगे, पूरा ऊपर तक बनाएंगे, और इस पे हम अलग डिज़ाइन देंगे। तो ये हमने एक नॉर्मल दे दिया, और एक बारी सिंगल क्लिक करने के बाद हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। इसकी हाइट दे देते हैं इसे, इसकी हाइट लगभग लगभग, अरे, तो सिंपली इस पे टैप करेंगे और इसको हाइट दे देते हैं एक, लगभग लगभग इतनी हाइट चाहिए हमको। हाँ, लगभग हाइट मिल गई, और इसको कर देते हैं हम 200 mm अंदर, और इसको कर देते हैं 0, और इसको -200, -200, एंटर, -200 एंटर किया। तो यहाँ पर इसने एक वॉल बना दी हमारी, जो कि हमारी पिछली वॉल भी यहाँ पर तक नहीं पहुँची थी, तो उसको भी मिला देते हैं इस पर एक बार। उसको अभी मिला लेंगे आराम से क्लिक करके हम। और इस वॉल को हमने एडिट करना है, तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, और एडिट एक्सट्रूजन पे आने के बाद हमको यहाँ पर डिज़ाइन देने हैं। तो डिज़ाइन देने के लिए हम एक नॉर्मली आर्क टूल पे आएंगे, यहाँ पर आर्क टूल को करेंगे यूज़। यहाँ पर से आ गए हम ऐसा, और इसको कुछ ऐसा सा डिज़ाइन देते हैं। यहाँ पर से आते हैं और वापस इधर पे कुछ ऐसा सा डिज़ाइन देते हैं हम, और यहाँ पर आने के बाद इसको हम कुछ ऐसा सा डिज़ाइन दे दिया, और यहाँ पर कर देंगे हम इसको फिनिश। फिनिश करते टाइम ऐसा सा डिज़ाइन दे दिया हमने, और यहाँ पर कर देंगे हम एक बारी स्केप, डबल स्केप, और यहाँ पर स्प्लिट एलिमेंट का यूज करेंगे। और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हमको काटना है, मतलब आपको अब तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि ओवरलैप नहीं करना चाहिए और बाउंड्री हमेशा क्लोज रहनी चाहिए। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान आपको ही रखना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे और फिर सिंपली इनको सिलेक्ट करके डिलीट 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 और डिलीट। तो ये आपका डिज़ाइन कुछ इस टाइप का बनने वाला है, जो कि आप लोग अभी देखेंगे। ओके कर देंगे और इसको थोड़ा सा लाके हम रख देंगे ऊपर। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस टाइप का इस साइड बन गया है। ये आपको मैं अभी नॉर्मल सिखा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मेरा टाइम भी ज़्यादा ज़्यादा टाइम भी ना लगे, और आपको डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो आपको समझ भी आ जाए। बाकी इन पे मटेरियल कैसे लगाते हैं वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, जब आपको मैं अच्छे से पूरा एकदम मटेरियल बनाना सिखाऊंगा, उसी टाइम बताऊंगा कि कैसे किस किस में मटेरियल लगाते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा आसानी रहेगी कि मटेरियल बनता कैसे और लगता कैसे। तो सिंपली इस साइड का डिज़ाइन ये बना दिया। अभी करते हैं हम कंपोनेंट की हेल्प से। अगर आपको सिंपल और सिंपल अगर आपको रेलिंग लगानी, तो आप दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, रेलिंग का ऑप्शन आपको सीधा सीधा यहाँ पर मिल जाता है। बाय स्केच करेंगे आप, इसके टॉप व्यू पे आ गए। टॉप पे आने के बाद आपको क्या करना रहता है, एक कोना पकड़ लेना रहता है सिंपली यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर से हमको चाहिए यहाँ पर तक। ओके कर देंगे। ओके होने के बाद अगर आप ये देख रहे हैं, अभी हमारा बना है रेलिंग नीचे पे, क्योंकि हमने अभी अपना प्लेन सेट नहीं किया था। इसको दबाएंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे हम। रेलिंग पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है हमारा बेस लेवल NGL है, लेकिन हमारा कौन सा लेवल पे बना रहे हैं, हम स्लैब टॉप पे। इसका स्लैब टॉप करेंगे, ये अपने आप ऊपर बन जाएगा। और इसका
चेंज भी कर सकते हो, जैसे आपको करना है ग्लास पैनल, ग्लास पैनल पे आपने दबा दिया, इस टाइप की बाउंड्री वॉल भी बन सकती है। और जैसे आपको और एडिट करना है अपने एक्सट्रूजन को, तो यहाँ पर से आप इसको और एडिट करके और अच्छा बना सकते हो। सिंपली इस पे आएंगे हम, इस पे जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर एडिट इन प्लेस का ऑप्शन आ गया। एडिट इन प्लेस का ऑप्शन आने के बाद इस पे दोबारा क्लिक करिए और एडिट एक्सट्रूजन पे दबाइए। एडिट एक्सट्रूजन पे दबाने के बाद एक बार हम इसके सिंपली सामने से राइट व्यू पर चले जाएंगे। राइट व्यू पर जाने के बाद हमको इसमें क्या क्या करना है वो हम अभी भी कर सकते हैं। जैसे हमको कुछ और डिज़ाइन करना है, तो हम इनके अंदर सिंपली रेक्टेंगल ले लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से लेके हमने एक यहाँ पर तक बना दिया, और यहाँ पर ऑड एंड इवन का केस आ जाएगा, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है। तो एक सिंपली एक और ले लेंगे हम यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक, और एक और ले लेंगे जो कि हमारा रहेगा यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक। अगर ये आपका एक डिज़ाइन सा बन जाएगा जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा, इस साइड से अगर आप देखते हैं तो ये प्रॉपर ऐसा लगेगा जैसे होल हो रखा हो, या फिर अलग मटेरियल से बनाओ। ये आपको मैं अलग मटेरियल से भी बनाना सिखाऊंगा, वो उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ये। तो इस बार ही इस वीडियो को इतना ही बनाते हैं, नॉर्मल सिंपल एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगी कि डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। बाकी आप लोगों को गूगल करोगे तो आप लोगों को बहुत सारे फ्रंट एलिवेशन देखने को मिल जाएंगे, उनको देख के आप एक्सट्रूजन टूल की हेल्प से पूरे के पूरे डिज़ाइन बना सकते हो। वैसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और बाद बाद में आप वही डिज़ाइन बनाना जो आप सोच सको, ताकि आपका डिज़ाइन अलग लगे, यूनिक लगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।